हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ जो रिलेशन से रिलेटेड है। देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अब तक लैंग्वेज लिखी हुई देखी, आर रिलेशन आर ऑन आ सेट ए, इसका मतलब ये होता था आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे ए, ये डोमेन बोलते हैं इसके लिए, और ये कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन भी ए है और डोमेन भी ए है, और ये रिलेशन आर है। तो यहाँ कोई एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है, तो ए इज आर रिलेटेड टू बी बोला जाता था इसके लिए। अब मैं यहाँ पर जो है मेरे ये क्या दिया हुआ है, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। अब यहाँ पर एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन है, तो देखिए यहाँ रिलेशन लिखा हुआ है आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है आर रिलेशन आर ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एन बाई एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सच डेट एन बाई एन टू एन बाई एन। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट एन बाई एन टू कार्टेशियन प्रोडक्ट एन बाई एन। इसमें मेरे पास ये सेट भी जो डोमेन कहलाएगा, ये भी एन बाई एन होगा और ये भी एन बाई एन ही होगा, और इस पे एक रिलेशन जो होगा वो आर होगा। एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन में एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा होगा, और वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर से इस रिलेशन के तहत क्या होगा, रिलेटेड होगा। और क्या है, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा ये रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। तो अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ जो क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है। और ये चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखना था, सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए, क्वेश्चन के लिए, ताकि क्वेश्चन आपके समझ आए। ये तो यहाँ क्या गिवन है, गिवन दैट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग टू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। तो यहाँ देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर के जो प्रोडक्ट आया वो, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट ऑर्डर इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो करके जो प्रोडक्ट आया बी इंटू सी का प्रोडक्ट क्या है, बी सी के इक्वल है। तो इस प्रकार से ये क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। अब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिविटी
रिफ्लेक्टिविटी दिखाऊंगा आपके लिए इसमें। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या दिखाते हैं, देखिए ये एक रफ वर्क है। रिफ्लेक्सिविटी में मैं ए कॉमा बी एक कार्टिजन प्रोडक्ट एन की एन से जो है मैं ले बिलोंग करा रहा हूँ, और इसको इसी एलिमेंट से रिलेट करके दिखाऊंगा। ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है और ये को डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और ये रिलेशन आर है। तो मुझे ए कॉमा बी से ही रिलेटेड है, तो मुझे क्या दिखाना है ये देखें आप। तो मुझे दिखाना है कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो मिला वो इक्वल होगा इस ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से करने पर। ये मुझे शो करना है। अगर मैं ये शो कर पाता हूं तो ए कॉमा बी विल बी आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो ये मुझे शो करके दिखाना है। तो देखें, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन कार्टिजन प्रोडक्ट एन। तो देखें, सिंस ए बी इक्वल टू बी ए, ये ऐसा क्यों लिख दिया मैंने। देखिए, अगर मैं ए की मल्टीप्लीकेशन बी से करूं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो बी इंटू ए इक्वल होगा, जैसे मैंने लिख दिया टू इंटू फाइव विल बी इक्वल टू द फाइव इंटू टू, तो इसको लेकर के ही मैंने ऐसा लिख दिया। अब मुझे मैंने ये ए बी को इक्वल टू बी ए लिख सकता हूँ, तो मैंने ये देखिए मेरे पास में आ गया। जब मेरे पास ये रिलेशन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। दैट एम्प्लाइज ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो देखें, एक ऑर्डर पेयर खुद से ही क्या हो गया, आर रिलेशन के तहत रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट एम्प्लाइज आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। अब रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के बाद मैं आपके लिए क्या प्रूव करूँगा, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बाद में लेंगे, पहले आपके लिए क्या दिखा दूँ, पहले सिमेट्री दिखा दूँ। सिमेट्रिसिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये देखें। सिमेट्रिसिटी दिखाने के लिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। सिमेट्रिसिटी दिखाने के लिए ये भी रफ वर्क है। मैंने डोमेन में एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी दिया, और को डोमेन में मैंने एक ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी दिया, और मैंने ये कह दिया ये रिलेटेड है आर से। इट मीन्स ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी। बी इंटू सी ये ट्रू है, इज ट्रू, ये चीज है, क्योंकि मैं इसके लिए सही मान रहा हूं कि ये ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी से रिलेटेड है। तो मैं प्रूफ क्या करना है, मुझे सिमेट्री दिखानी है। सिमेट्री मीन्स मेरे लिए क्या दिखाना है, मेरे लिए ये दिखाना है कि इस डोमेन में सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है वो को डोमेन के ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर से रिलेशन आर के तहत रिलेटेड है। इसमें क्या दिखाना है, सी इंटू बी, सी इंटू बी मीन सी बी इज इक्वल टू डी इंटू ए मीन्स डी ए, ये मेरे लिए शो करके दिखाना है। अगर मैं ये शो कर दूं तो इसका मतलब ये होगा सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा
बी ऑर्डर पे है। तो देखें इसके लिए लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन सच डैट, किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये मैंने ट्रू मान लिया। तो वी आर टू शो डैट, हमें क्या शो करना है, वी आर टू शो डैट सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखें सेंस ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी दैट एम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी, मैंने यहां लिखा ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब मैं देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए नेचुरल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता, मतलब 2 इंटू 5 को 5 इंटू 2 ले सकता हूँ। तो a और d दो नेचुरल नंबर्स हैं तो मैं इन्हें d कॉमा a लिख सकता हूँ। वैसे b कॉमा c, b और c दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट bc है, इसे मैं cb लिख सकता हूँ। अब मैं ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर के लिए क्या करता है, ये टू होता है। मैं इसके लिए जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूँ और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे राइट हैंड साइड में लिख दूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने लिख दिया बाय लॉजिक, ऐसा लिख सकते हैं बाय लॉजिक, क्योंकि आपने देखा होगा अगर जैसे x इक्वल टू y प्लस टू है तो इसे ये भी y प्लस टू इक्वल टू x भी लिखा जा सकता है। तो अब देखें मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया, मैंने देखो ये सी बी इक्वल टू डी कॉमा ए डी ए प्रूव करके दिखा दिया। इसका मतलब ये है सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा डी, सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर से। तो देखें सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी इज प्रूव्ड, ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इससे मैंने ये दिखा दिया सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी दैट एम्प्लाइज आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैंने सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं आपके लिए ट्रांजिटिविटी को शो करके दिखाऊंगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन का जो ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, आप लोग अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखिएगा, मैं आपके साथ ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी लिखा हुआ था। अब देखें मुझे ट्रांजिटिविटी शो करनी है, ट्रांजिटिविटी को शो करने के लिए क्या होता था, जैसे मैं देखता था
इज आर रिलेटेड टू बी, बी इज आर रिलेटेड टू सी, तो मुझे ये शो करना होता था ए इज आर रिलेटेड टू सी, ये दिखाना होता था। अगर मैं ये दिखा दूँ तो क्या होता था, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता था। तो देखें, अब मैं यहाँ पर तीन ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ, जो बिलोंग कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एन विच इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं किस प्रकार से ले रहा हूं, सच डैट, ये मैं ट्रू मान रहा हूं कि ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ये मैंने ट्रू मान लिया। तो मुझे क्या शो करना है, वी आर टू शो दैट, वी आर टू शो दैट ये ऑर्डर पेयर जो है यहाँ स्टूडेंट ई कॉमा एफ ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर भी इस ऑर्डर पेयर से आर रिलेशन के तहत रिलेटेड होगा, ये मुझे शो करके दिखाना है। तो ये मैं देखो आपको दिखा रहा हूं, देखिए सिंस ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, दैट एम्प्लाइज ए डी इक्वल टू बी सी, यही तो डिफाइन किया गया था कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से प्रोडक्ट करने पर जो आएगा वो इक्वल होगा इस ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट की इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से प्रोडक्ट करने पर। तो एंड दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने क्या लिया, सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे लिए, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ सी एफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डी एंड ई, तो ये इक्वल हो गया। अब मैं क्या कर दूं कि इसे फर्स्ट और इसे सेकंड एज्यूम कर ले रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू डी ई, देखें डी से डी कैंसिल हुआ और सी से सी कैंसिल हुआ, यहां क्या बचा मेरे पास, ए एफ इक्वल टू डी ई। अब यहां देखें कि मेरे लिए शो करना था, क्या शो करना था कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है जो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर एन टू इट्सेल्फ है वो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर के ई कॉमा एफ एलिमेंट से आर रिलेशन के तहत रिलेटेड है। तो अगर ये रिलेटेड है ए कॉमा बी ई कॉमा एफ से, इसका मतलब ई कॉमा ए कॉमा एफ विल बी इक्वल टू बी कॉमा सॉरी बी ई, देखें इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इक्वल होगा इस ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट की इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, तो बी ई आया ये इक्वल होगा। तो
तो ये मुझे दिखाना है क्या ये जो है वो ए एफ इज इक्वल टू बी ई। तो देखे मैंने ए एफ इक्वल टू बी ई, ये बी ई है, बी ई के इक्वल आ गया। तो देखो मैंने ये दिखा दिया ए एफ इक्वल टू बी ई, इट मीन्स रिलेशन ए बी इज आर रिलेटेड टू ई एफ, ऑर्डर पेयर दैट एम्प्लाइज ए बी ऑर्डर पेयर इज आर रिलेटेड टू ई एफ। जब मैंने ये शो करके दिखा दिया तो इसका मतलब यह हो गया आर एज पॉजिटिव रिलेशन, आर क्या हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब आर मेरे पास में मैंने अभी रिफ्लेक्सिव शो किया, इसके बाद फिर मैंने सिमेट्रिक शो किया, उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। इट मीन्स द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर मेरे पास में मैंने क्या प्रूव कर दिया कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन कार्टिजन प्रोडक्ट एन। तो इसको मैं क्वेश्चन को और बढ़ाऊं, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वीडियो को बार 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 देखें तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके समझ में आएगा अगर वीडियो को बार बार देखेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है। थैंक यू वेरी मच।